आज तो मैंने आप लोगों का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और आज मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते मैंने आपके यहाँ तक रीडिंग करा दी है। सैटेलाइट्स दैट फेस टूवर्ड्स स्पेस हैव अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। वो सैटेलाइट जो स्पेस में रहती हैं उनकी काफ़ी अलग अलग तरीके के आप कह सकते कार्य होते हैं। सम वॉच फॉर डेंजरस रेज कमिंग फ्रॉम द सन। कुछ का कार्य होता है कि सूरज से आने वाली जो डेंजरस किरणें हैं रेज हैं उनको देख सकें या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। अदर एक्सप्लोर एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स द हिस्ट्री ऑफ स्टार एंड द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट। अदर्स का काम क्या होता है कि मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट जो है वो पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसके बारे में बताना, या फिर स्टार्स के बारे में खोज करना कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें हैं। एंड द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट और प्लैनेट्स कैसे बने। सम सैटेलाइट फ्लाई नियर और ऑर्बिट द अदर प्लैनेट। कुछ सैटेलाइट जो होती हैं वो किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं, ठीक है, ताकि उनके दिस स्पेस क्राफ्ट में लुक फॉर एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मार्स और कैप्चर क्लोजअप पिक्चर ऑफ सैटर्न रिंग्स। तो ये जो सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं स्पेस क्राफ्ट, तो ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है कि किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और ये पता करती हैं कि जैसे मार्स पर पानी है या जो रिंग्स हैं सैटर्न की वो किस तरीके की किस चीज़ की बनी हुई हैं, तो उसका क्लोजली उसको जानने के लिए वो उसके आसपास चक्कर लगाती हैं। नॉलेज अबाउट द अदर बॉडीज इन द स्पेस हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द पोजिशन ऑफ अवर बेटर। दूसरे बॉडीज़ के बारे में जानना जो स्पेस में अदर बॉडीज़ हैं, मून है, सन है, स्टार्स हैं, जो भी हैं एस्टेरॉयड मीटेरॉयड्स, तो इन बॉडीज़ के बारे में जानने से हमें जो है अर्थ को बेटर प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, ठीक है। ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी ऑल कैन सी द मून। अगर किसी साफ सुथरे दिन अगर हम आसमान की ओर देखें तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। द मून एंड द अर्थ आर क्लोजली रिलेटेड। जो सूरज और चंद्रमा सॉरी जो चंद्रमा और पृथ्वी है वो दोनों ही क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब काफ़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ की। सैटेलाइट आर द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स वो होती हैं जो किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स पुल देम अराउंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, जो सैटेलाइट्स सॉरी जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उनके कारण, जो जैसे चंद्रमा है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अदर जो बॉडीज़ हैं जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है। फॉर इंस्टेंस द अर्थ विच इज़ अ प्लैनेट पुल द मून बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम अभी के लिए एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसा कि मून का है अर्थ के लिए, तो क्योंकि जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ओनली सम प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। देखिए जब हम बात नेचुरल सैटेलाइट की करते हैं तो कुछ ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं उनमें से किस किस के पास नेचुरल सैटेलाइट है, देखते हैं इसमें। तो ओनली सम प्लैनेट्स ओनली सम प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। कुछ ही प्लैनेट्स के पास है। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अगर हम हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो उस पर सिर्फ एक सैटेलाइट मून है, ठीक है। प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। मर्क्यूरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। द प्लैनेट जुपिटर है 67 सैटेलाइट। जो जुपिटर प्लैनेट है उसकी सैटेलाइट कितनी है, 67 है, ठीक है, 67। और ये आगे पीछे मतलब बढ़ती रहती हैं तो इसमें एक्यूरेट आप नहीं बता सकते हैं। द सैटेलाइट आर ऑफ टू पार्ट्स या टाइप्स। तो सैटेलाइट जो होती है वो दो तरीके की होती हैं, मैनमेड और आर्टिफिशियल। कौन कौन सी होती है, एक मैनमेड होती है और दूसरी आर्टिफिशियल होती है। दीज आर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द अर्थ टू ड्रॉ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेलेस्टियल बॉडी। जो आपकी मैनमेड होती हैं वो ऐसी होती हैं जो यहाँ के साइंटिस्ट द्वारा बनाकर आकाशगंगा में भेजी जाती हैं, अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, और उनके नेम यहाँ पर कुछ दिए हैं, जैसे इंडियन सैटेलाइट के INS इनसेट आप कह सकते हैं, ठीक है, EDUSAT, IRNSS, GST एंड कार्टोसेट 2C। तो ये जो है मैनमेड सैटेलाइट हैं जो अंतरिक्ष में भेजी गई हैं अदर बॉडीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब इसमें नेचुरल सैटेलाइट को देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड मून्स। नेचुरल सैटेलाइट को हम मून्स कहते हैं, जैसे पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट
ठीक है, और जो मार्स है उसकी नेचुरल सैटेलाइट जो भी हैं फोबोस डीमोस, तो उनको भी हम मून कहते हैं, तो इन्हें हम मून कहा मून कहते हैं। ऑल प्लैनेट्स एक्सपेक्ट मर्करी एंड वीनस हैव मून्स। अगर हम मर्करी एंड वीनस को छोड़ दें तो बाकी सभी प्लैनेट्स के पास मून्स हैं। अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट मून, जो पृथ्वी है उसकी सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और उसी का ही नाम चंद्रमा है, ठीक है। बाकी जो चंद्रमा है दूसरे प्लैनेट्स के, उनके अलग अलग नेम भी हैं। बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की, क्या होते हैं ये एस्टेरॉइड्स। तो लुक एट फिगर सेवन, फिगर सेवन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये बेल्ट आपकी व्यू ही है। चलिए, वी कैन ऑब्जर्व सम स्मॉल बॉडीज बिटवीन द टू प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका प्लैनेट मार्स और ये रहा जुपिटर। मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में आपको ये कुछ बॉडीज नज़र आ रही होंगी, ये देख रहे हैं वाइट वाइट कलर के जो स्पॉट्स हैं। तो दो दे सीम टू बी इन बिटवीन द टू प्लैनेट, भले ही आपको ये दिखाई दे रहा हो कि ये दो प्लैनेट के बीच में है, बट दे एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन दरअसल ये जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और इन बॉडीज़ को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दिस प्लेस वेयर मैनी एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। तो जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स आर टाइनी रॉक्स दैट रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। देखिए एस्टेरॉइड जो है वो टाइनी रॉक्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, रेंज इन साइज, उनके साइज़ कितना होगा आपका, देखिए फ्यू मीटर्स कुछ कुछ मीटर बड़े होते हैं और कुछ जो है कुछ हंड्रेड किलोमीटर, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट दैट एक्सप्लोर्ड इन द पास्ट। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो एक प्लैनेट के पार्ट हैं जो बहुत समय पहले आप कह सकते हैं एक्सप्लोड हो गया था, फट गया था, कुछ भी है। सिरेस एंड इरोस आर एस्टेरॉइड्स दैट आर वेरी क्लोज टू अर्थ। दो आपके यहाँ दिए हैं सिरेस एंड इरोस, ये दो प्लैनेट जो दो एस्टेरॉइड्स हैं वो पृथ्वी के सबसे करीब हैं, ठीक है। मैनी साइंस फिक्शन हैव बीन रिटन ऑन देम, इन दोनों के ऊपर काफ़ी सारी साइंस फिक्शन बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं। अब बात करते हैं मीटेराइट्स की, तो देयर आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, एस्टेरॉयड थोड़े बड़े होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं, उन्हें मीटेरॉइड्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। दीज रॉक्स समटाइम्स कम नियर अर्थ एटमोसफियर। कभी कभी क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं वो पृथ्वी के एटमोसफियर वायुमंडल की ओर खींचे चले जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ पुल्स दैम टूवर्ड्स इट। ये क्यों खींचे चले आते हैं, जो ग्रेविटेशनल मतलब कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है पृथ्वी की, उसके कारण ये पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे है टेंड टू फॉल ऑन अर्थ, और इसी कारण ये जो है पृथ्वी पर आकर गिर भी जाते हैं कभी कभी। बट एज दीज रॉक्स कम नियर द अर्थ एटमोसफियर गिव फ्रिक्शन। अब जैसे जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल के निकट आते जाते हैं, इनमें फ्रिक्शन घर्षण पैदा होता है। एज अ रिजल्ट द हीट अप एंड बर्न विच इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो इस तरीके से देखिए, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फाइव लेयर्स होती हैं, इनको वो पांच लेयर क्रॉस करनी पड़ेंगी तभी ये नीचे जा पाएंगे। तो उन तो इससे क्या होता है कि इसको और इन लेयर्स का आपस में घर्षण होता है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है, और इस वजह से इनमें आग लग जाती है। ज़्यादातर तो ये एस्टेरॉइड जो मीटेरॉइड जो होते हैं वो वायुमंडल में ही खाक हो जाते हैं जलकर, लेकिन एक आध कभी कभार जो है ज़मीन पर आकर गिर जाता है, ठीक है। दीज मेटेरॉइड विच बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन विद अर्थ एटमोसफियर आर कॉल्ड शूटिंग स्टार। और इन्हीं को ही हम टूटता तारा कहते हैं, अगर आप देखें यही होते हैं टूटते तारे जिन्हें हम कहते हैं, ये मीटेरॉइड्स होते हैं। समटाइम्स अ मीटेरॉइड मे नॉट बर्न अप कम्प्लीटली एंड फॉल ऑन अर्थ सबसे कॉजिंग अ हॉलो। कभी कभी क्या होता है कि मान लो एटमोसफियर में पूरा जलकर ख़त्म नहीं हो पाया, तो जो मीटेरॉइड है वो आकर पृथ्वी पर गिर जाता है। तो मैं आज आपको यहीं तक कराऊंगी, बाकी का आपका जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तब मैं आपको कराऊंगी।